यहाँ पे हारमोनियम जो है 7,000 रुपए से स्टार्टिंग है और हेलो नमस्ते, क्या बोलते हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काम चोर व्लॉग। और क्या बोलते हैं सब, कैसे हो आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और क्या। तो भैया देखो, आज का व्लॉग जो एकदम संगीतमय होने वाला है क्योंकि मैं आज आया हूँ बर्डी में, और बर्डी में है सागर हारमोनियम करके एक शॉप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है सारे मिलते हैं इनकी शॉप में, जैसे कि तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, क्लैप बॉक्स हो गया या गिटार हो गया, और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे मिलते हैं, वो भी अच्छे रेट में आपको रिपेयर भी करवा के मिलेंगे, ठीक है। तो आज का व्लॉग जो है वही होने वाला है, तो चलते हैं अंदर सागर हारमोनियम में और सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मैं दिखाता हूँ आपको, उनकी क्वालिटी बताऊंगा, उनके रेट वगैरह सब कुछ जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं, तब तक एक काम करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। देखो सबसे पहले हम जो शॉप के ओनर है उनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर जरेल और ये शॉप अभी यहाँ पर, तो ये तीसरी शॉप है मेरी। अच्छा, एक्चुअली सबसे पुरानी शॉप मेरी जागरण द्वारे तबला मार्केट पर, सागर। अच्छा। तबला स्टोर्स के। अच्छा, हमारा ये जो व्यवसाय है, हाँ, ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी वाला काम है, मतलब काफी पुरानी शॉप है। पुरानी शॉप है और सब पीढ़ियों से चल रही है, मतलब आपने अपनी जिंदगी पूरी म्यूजिक के नाम कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भैया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अंकल जी मुझे बताइए, अपने पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो मिलते हैं अपने यहाँ पे? इंडियन वेस्टर्न सभी इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में तबला, ढोलक, पखावज, खंजरी हो गया तुकड़ोजी महाराज की, हाँ। उसके बाद में डमरू हो गया, हाँ। नाल हो गया लावणी की, ये तो हमारे इंडियन हो गया, ठीक है। वेस्टर्न में भी, वेस्टर्न में अपने पास वेस्टर्न में गिटार हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, जैम्बे हो गया, क्लैप बॉक्स हो गया, जितना भी अभी वेस्टर्न में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आए वो सब अपने यहाँ के शॉप में मिलते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम देखने वाले गिटार में उनकी क्वालिटी हो गया, उनका रेट वगैरह सब कुछ मैं आपको पूछ के बताता हूँ, ठीक है। तो चलो गिटार से शुरुआत करने वाले हैं। तो भैया मुझे बताओ ये गिटार कौन सा है वैसे? ये ग्यूसन कंपनी का गिटार है, ग्यूसन बहुत पुरानी कंपनी है और ये इलेक्ट्रिक गिटार है, जिसका प्राइस है 6,000 रुपीज़। तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, इसका जो अभी प्राइस है वो मिल जाएगा। और गाइस देखो, ये 6,000 में अपने को मिल जाएंगे और इसके थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक मैंडोलिन भी है जो कि अभी काफी गानों में यूज हुआ है, तो ये मैंडोलिन है, हाँ। ये भी अपने अवेलेबल हो जाती है, ये 2,500 रुपए की मिल जाती है। अच्छा, तो गाइस देखो ये मैंडोलिन अपने को मिलेंगी 2,500 रुपए में, और देख सकते हैं गाइस काफी अच्छी है, सेमी अकॉस्टिक गिटार रहती है, हाँ। 3,500 रुपए से चालू होती है, तो फिर अपने पास 4,500-5,000 तक के सेमी अकॉस्टिक गिटार से। अच्छा, ये बेबी गिटार आती है, हाँ, बेबी गिटार 2,200 रुपए की पड़ती है, हाँ। ये बेबी गिटार और ये 2,200 रुपए की, ये 2,200 रुपए की रेंज में अपने को ये वाली गिटार मिल जाएंगी। यामा की अपने पास सभी रेंज की गिटार, जैसे कि आप देख सकते हो यामा F280, 310, FX80C, FS80CBL, ये सारे मॉडल्स अपने पास अवेलेबल है। ये ड्रेडनॉट बॉडी की गिटार होती है और कटअवे बॉडी गिटार भी होती है। अच्छा, वो सारी अच्छा। गिटार्स अपने अवेलेबल है, ठीक है, दिखा दीजिए भैया फिर। तो गाइस देखो, मैं आपको अभी एकदम लिमिटेड एडिशन यामाहा का गिटार दिखाने वाला हूँ, भैया जो है गिटार के बारे में बताने वाले और उसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भैया बताइए इस गिटार के बारे में। ये यामा का FS80C मॉडल है जो कि ब्लैक कलर का है और ये कटअवे बॉडी होता है 39 इंचेस का। अच्छा, ये पड़ता है अपने 7,000 का, तो ये अपने को मिलेगा 7,000 में। हाँ, देखो इसका ओरिजिनल प्राइस है 7,500 रुपए, लेकिन आपको ये मिलेगा सिर्फ 7,000 रुपए में और एकदम लिमिटेड एडिशन है, काफी अच्छा गिटार है ये वाला। और गाइस देखो, ये वाले गिटार में ये वाला कलर एकदम लिमिटेड एडिशन है और नागपुर में ये कलर जो इन्हीं के पास अवेलेबल है और इस कलर की काफी डिमांड है ये वाले गिटार में। तो भैया इसका प्राइस ही सेम है क्या? नहीं नहीं, ये तो गाइस देखिए, ये है यामाहा का FX280 और इसका प्राइस जो है 10,990 इसका प्राइस ही आता है 10,000। हाँ, तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 10,990, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा 10,000 में ये गिटार मिलेगा। एक ही कलर अभी तो एक काम करते हैं, अभी एक नया इंस्ट्रूमेंट है और काफी ट्रेंडिंग है आजकल, वो वाला मैं दिखाता हूँ आपको, ये उकुलेले। सो गाइस देखिए, ये वाला है उकुलेले और इसका इसके बारे में और बताइए। हाँ, ये उकुलेले, इसमें आप सिर्फ कॉर्ड्स बजा के आप गाना प्ले कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप ये पड़ता है 1,400 रुपए।
तो ये उकुलेले है और ये मिलेगा अपने को 1400 रुपए में मिल जाएगा, थोड़ा सा अलग है उससे। ये डॉल्फिन कंपनी का उकुलेले अच्छा। है, ये पड़ता है आपको 3000 रुपए। अच्छा, तो ये वाला अपने को 3000-3000 में मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया देखिए, इनके पास रॉकस्टार का ऑक्टोपैड भी मिलेगा, तो इसके बारे में बताइए भैया। देखिए भैया, ये है रॉकस्टार का पैड 20 प्रो। अच्छा, 23000 रुपए रेट चालू है इसका। हाँ। लेकिन अपने यहाँ ये 21000 रुपए में। 21000 में? 21000। तो ये अपने को ऑक्टोपैड मिलेगा 21000 रुपए में। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ इनका सिर्फ म्यूजिक एक धंधा नहीं है, ये सारे के सारे लोग जो है यहाँ के सब म्यूजिशियन है, सब सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बजा लेते हैं। तो ये लोग जो है म्यूजिक में कम से कम 200 साल से इनके दादाजी वगैरह सब कुछ म्यूजिक में ही है। और गाइस देखिए, ये लोग जो है म्यूजिक के बारे में एक टेक्निकल नॉलेज भी रखते हैं, इनके कॉर्पोरेट शूज वगैरह होते हैं। तो देखिए, इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्रम सेट वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, कीबोर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक ड्रम है तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो भैया इसका प्राइस क्या है? इसका करंट अभी रेट चालू है 65000। ये है रोलैंड का TD-1। अच्छे भैया जो है अपने को एक डेमो देने वाले, तो मजा आएगा अपने को ये व्लॉग में, ठीक है। तो डेमो सुन लेते हैं अपन। क्या बात है भैया, बहुत अच्छा आपने प्ले किया ड्रम, मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं, मतलब सिर्फ इनका बिजनेस नहीं है भाई, म्यूजिक जो है इनके रग रग में बहता है, ठीक है। तो आप जो है हमेशा ऐसी चीजें जो है उन्हीं से लीजिए, तो एकदम इसमें टेक्निकली एकदम एक्सपर्ट है, सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसी कुछ शॉप है ये वाली, और चीज है, और सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। और इनके पास एक और अंकल है जो एकदम खतरनाक कीबोर्ड बजाते हैं, तो उनका भी एक डेमो देंगे अपन, ठीक है। भैया देखो, इनके पास जैसे कि मैंने बताया सारे इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल है, वैसे ही तबले की भी काफी सारे, काफी बड़ी रेंज जो है इनके पास अवेलेबल है। तो तबले की रेंज बताइए कौन से रेंज से स्टार्ट है? तबले का जो रेंज है वो 3500 रुपए से चालू होता है। 3500? अच्छा। तो ये इसमें स्टील का डग्गा रहता है और तबला रहता है, और ये सेट लोगे पूरा तो 4000 रुपए का मिलता है। अच्छा। फिर इसमें 4.5 वाला भी सेट है, फिर इसमें तीन प्रकार के डग्गे आते हैं, जैसे तांबा, पीतल और लोहे का भी डग्गा आता है। हाँ। तो लेकिन लोहे का डग्गा हमारे पास रहता नहीं, हम लोग स्टील का डग्गा बेचते हैं। अच्छा अच्छा। तो गाइस आपने तबले का साउंड वगैरह चेक कर लिया होगा, तो ऐसे तबले जो है अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे। रेंज वगैरह एकदम काफ़ी मिनिमम है और अच्छी क्वालिटी के भी है, तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। तो इनके पास कॉन्गो भी अवेलेबल है, उसका प्राइस वगैरह पूछता हूँ मैं। तो कॉन्गो है, ये ट्रिपल कॉन्गो बोलते हैं इसको। अच्छा। ये पड़ता है 5500 रुपए का। तो गाइस देखो, ये है ट्रिपल कॉन्गो और ये मिलता है 5500 में। इसमें ओरिजिनल चमड़ा लगा हुआ है। अच्छा। बकरी का चमड़ा। अच्छा, लगा हुआ है ओरिजिनल वाला। तो ऐसा कुछ कॉन्गो है। अभी हम देखने वाले हैं कीबोर्ड्स, इनके पास कीबोर्ड की भी काफ़ी अच्छी रेंज है। तो इनके पास कीबोर्ड की रेंज है 2500 से लेके 25000 तक, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। आप ये देख रहे हो, ये कीबोर्ड है ग्राफाइट का M25, ये है 8000 रुपये का। हाँ। 77 है 3800 का, या मैं F51 है 7000, ये 13000, ये 18000, और नीचे वाला जो सबसे i500 है वो है 23000। तो गाइस देखिए, कीबोर्ड की जैसे कि मैंने आपको बताया, कीबोर्ड की बहुत बड़ी रेंज है, लगभग सारे कीबोर्ड जो है अपने को मिल जाएंगे यहाँ पे, छोटे भी, स्मॉल वाले भी मिल जाएंगे और बड़े भी मिल जाएंगे। और गाइस देखो, इनके पास माउथ ऑर्गन भी मिल जाएंगे, हारमोनियम का भी मिल जाएंगे। ये बी कंपनी का है और ये टावर कंपनी का है। इसकी क्या रेंज है भैया? ये 400 रुपए का मिल जाता है। हाँ। ये 650 रुपए का, ठीक है। ऐसी बांसुरी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, 100 रुपए से स्टार्टिंग है, और ये टैमरिंग भी मिल जाएंगे अपने को। इसकी क्या प्राइस है भैया? 100 रुपए। ये भी 100 रुपए की रेंज में अपने को मिल जाएंगी यहाँ पे।
बात है, विलियम सर हमारे एकदम मंजू हुए खिलाड़ी है और इनकी कला जो है काफी अच्छी है। और विलियम सर थैंक यू सो मच, आपने हमें थोड़ा सा अपना कला का एक ये दिखाया, थैंक यू सो मच विलियम सर। तो ये है हमारे विलियम सर और ये है हमारे अंकल जी। तो भैया मुझे बताइए हारमोनियम जो है कितने रेट से स्टार्ट है आपके पास? हारमोनियम 7,000 रुपए से चालू होती है, हारमोनियम 7,000 वाला। अच्छा, फिर वो 7 स्टॉपर लेते हैं 7,500 रुपए का पड़ता है। अच्छा, फिर ये इसमें 7 फोल्डर हारमोनियम है, हाँ। ये 14,000 रुपए का पड़ता है। अलग अलग रेंज के हारमोनियम है, 7,000 से लेके फिर 25,000 का। और गाइस देखिए यहाँ पे हारमोनियम जो है 7,000 रुपए से स्टार्टिंग है और उसके ऊपर आपका जितना बजट है उतना है, उसके हिसाब से आप जो है खरीद सकते हैं। 60,000 रुपए तक। 60,000, तो अंकल जी ने बोला है 60,000 तक के आपको यहाँ पे हारमोनियम जो है मिल जाएगा। और गाइस देखिए इनके पास ढोल वगैरह सारे यहाँ पे अवेलेबल है, पंजाबी ढोल वगैरह, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं ये सब ढोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं भैया से प्राइस जो है पूछता हूँ, तो गाइस अपने को ये पंजाबी ढोल वगैरह मिल जाएंगे 3,000 से लेकर स्टार्टिंग है, 5,000 तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रेट वगैरह एकदम रिजनेबल रेट है। और गाइस देखिए ये व्लॉग जो है अभी एक नॉर्मल व्लॉग नहीं होने वाला है, आपको एक मिनी ऑर्केस्ट्रा आपको सुनने मिलने वाला है डेमो में, ठीक है। यहाँ पे विलियम सर है जो कीबोर्ड बजाने वाले हैं, संकेत भैया जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्रम जो है बजाने वाले, एक थोड़ा सा मिनी कॉन्सर्ट अभी यहाँ पे होने वाला है। ये व्लॉग एकदम अलग होने वाला है, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। और ये हमारे विलियम सर है, क्या बोलते सर कैसे है आप? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। आप कितने सालों से कीबोर्ड बजा रहे हैं? ये कम से कम 30 साल करीब हो गए। 30 साल हो गए, ठीक है। तो एकदम प्रोफेशनल वाली बातचीत है, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, थैंक यू विलियम सर, आपने काफ़ी अच्छा बजाया। और थैंक यू संकेत भैया। और गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं तो एक व्लॉगर हूँ, ठीक है, और मुझे ये फ्री में सुनने के लिए मिल गया, तो भाई आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड बाय द वे, थैंक यू सो मच। हाँ तो भैया देखो अभी अपना व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, और आई एम श्योर आपको ये व्लॉग देखने में काफ़ी मज़ा आया गया होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जानकारी भी दी, उनका रेट भी पूछ के दिखाया, और आपको एक फ्री में कॉन्सर्ट भी सुनाया, ठीक है। इस बात पे आपको एक चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं भैया? बोलिए ना, आपके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ? बहुत अच्छा व्लॉग इन्होंने बनाया है। हाँ? और हमें भी काफी मजा आया आपके साथ व्लॉग करने में। और गाइस देखिए मैंने इतने सारे व्लॉग शूट किए लेकिन इतना मजा मुझे आज तक नहीं आया शूट करने के लिए। यहाँ पे दो से तीन घंटे में हो गए मुझे, मैं यही पे हूँ, मैं कुछ भी बोर नहीं हुआ, वो फुल एंटरटेनमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अपने को थैंक यू बोलना है विलियम सर को, अंकल जी को थैंक यू, संकेत भैया को थैंक यू, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा था, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कैच यू लेटर, पीस।